तो यहां पर देखें तो ए की वैल्यू माइनस 1.2, डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू आ रही है माइनस 3/2, माइनस ऑफ माइनस 1.2। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो माइनस 3.2 यहां देगा 1.2, तो 2 से 2 कटा, यहां देगा माइनस 2। 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो यहां देगा माइनस 2। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 2। तो मुझे यहां पर सबसे पहले तो चेक करना है क्या ये पी है भी कि नहीं। तो यहां से फिर एक और टर्म A3 है मेरा 5.2 और A2 है मेरा माइनस 3.2, यह आ जाएगा 5.2 प्लस 3.2, यह आ जाएगा फिर माइनस 2। उसके बाद मतलब ये एग्जिस्ट हो रहा है, बट आखिरी मोमेंट तक आपको करना है जितनी टर्म्स दे रखी है, A4 में से A3 माइनस कर दो तो 7.2 माइनस ऑफ 5.2, 7.2 5.2, तो यहां रहेगा माइनस 2 अगेन। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 2। तो डी की वैल्यू मेरे पास यहां पर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 आ रही है, इसका मतलब ये एपी है, ये पूरा पार्ट हमारा एपी गिना जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर मेरा आ चुका है तो मैं अगली कौन सी टर्म निकालूंगा, 3 टर्म और निकालूंगा, 4 दे रखी है, तो मुझे 5वीं टर्म निकालनी है, फिर मुझे 6th टर्म चाहिए और फिर मुझे 7th टर्म चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालिए, ट्राई करिए एक बार, सभी लोग ट्राई करेंगे। तो यहां पर A5 की अगर हम बात करें तो देखो A4 में D को ऐड करा देंगे, या A6 की बात आए तो A5 में D को ऐड करा देंगे, A7 की बात आए तो A6 में D को ऐड करा देंगे। A4 कितना आ रहा है माइनस 7.2 और इसमें D को ऐड कराएंगे मतलब माइनस 2, तो याद आएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाना है मेरे पास माइनस 9.2। उसके बाद फिर A5 लेंगे, फिर A5 कितना आया मेरा माइनस 9.2, इसमें फिर माइनस 2 को ऐड करा देंगे तो याद रहेगा माइनस 11.2, फिर याद रहेगा 11.2, फिर यहां पर माइनस 2 को ऐड करा देंगे, यहां पर आ जाएगा 13.2, आंसर खत्म। A2 की वैल्यू आ रही है 3+√2, A3 की वैल्यू आ रही है 3+√2, A4 की वैल्यू आ रही है 3+√2। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1, तो 3+√3 में से माइनस 3 कर दिया जाए तो आ जाएगा √3। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 3+√2 माइनस 3+√2। तो अगर मैं देखूं तो 3+√2 माइनस 3 माइनस रूट टू, तो 2√2 में से 1√2 गया तो कितना आएगा √2। फिर उसके बाद A4 माइनस A3, तो A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, तो आ जाएगा मेरे पास 3+√2 माइनस 3+√2। अगर मैं देखूं तो 3+√2 माइनस 3 माइनस ऑफ 2√2, तो 3√2 में से 2√2 गए तो कितना आ जाएगा √2। तो आप देख रहे हो सेम आ रहे हैं, लेकिन एक पार्ट में चेंज आ गया, ये जो पहला था वो क्या था 3+√2, अच्छा मैंने यहां पर ही 2 लिखना था, हाँ ठीक आ रहा है, मतलब
मतलब सारे के सारे गैप हमारे फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर डी हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री कितना आया, रूट टू आया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है देन इट इज एन एपी। तो यहाँ एक दो तीन चार, चार टर्म दे रखी है, ए फाइव बताना है, ए सिक्स बताना है, ए सेवन बताना है। तो वही फिलॉसफी, ए फोर में डी को ऐड करा दो, यहां पर ए फाइव में डी को ऐड करा दो, और यहां पर ए सिक्स में डी को ऐड करा दो। तो ए फोर कहां से आएगा, ये मेरा ए फोर है, तो थ्री प्लस थ्री रूट टू, और डी की वैल्यू है रूट टू, तो आ जाएगा थ्री प्लस फोर टाइम्स ऑफ रूट टू। फिर यहां पर चलें तो आ जाएगा थ्री प्लस फोर रूट टू, डी की वैल्यू है फिर रूट टू, फिर थ्री प्लस फाइव टाइम्स ऑफ रूट टू, नहीं यहां आ जाएगा थ्री प्लस फाइव रूट टू, फिर डी की वैल्यू है अगेन रूट टू, थ्री प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ रूट टू। तो ये पोर्शन मेरे पास बना। फिर फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस टू एंड टू, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी फॉर्मेट से आप करेंगे। पास यहां पर रूट टू दे रखा है, यहां पर रूट एट दे रखा है, यहां पर रूट एटीन दे रखा है, और यहां पर रूट थर्टी टू दे रखा है। तो हमें पहले तो चेक करना है क्या ये एपी है, और है तो अगली तीन टर्म बतानी है। तो पहले इसे देख लेते हैं कि ए वन कितना आ रहा है, रूट टू, ए टू कितना आ रहा है, रूट एट, तो रूट एट का एलसीएम ले लो, टू फोर जा, टू टू जा एंड टू वन जा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, टू रूट टू। फिर ए थ्री की बात करते हैं, 18 या जाएगा 9 या जाएगा 3, 3 जा 9, उसके बाद आ जाएगा 3 रूट टू। फिर उसके बाद आते हैं 32 पर, या जाएगा 16, और यहां पर 4, 4 जा 16, तो या जाएगा 4 रूट टू। तो सीक्वेंस हमारे पास पता लगा, तो पहला रूट टू आ रहा है, दूसरा 2 रूट टू आ रहा है, तीसरा थ्री रूट टू आ रहा है, चौथा फोर रूट टू आ रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई रूट टू, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आएगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू आ जाएगा मेरे पास टू रूट टू, और ए वन आ जाएगा रूट टू। रूट टू को टॉफी मान लो, तो दो टॉफी में से एक टॉफी गई, कितनी बचेगी, एक टॉफी, मतलब ए टू माइनस ए वन हमें क्या दे रहा है, रूट टू दे रहा है। फिर उसके बाद फिर हम करेंगे ए थ्री माइनस ए टू, आ जाएगा थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, ये आ जाएगा मेरे पास रूट टू। फिर उसके बाद फिर अगले पर आते हैं ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है मेरे पास फोर रूट टू, में से तीन रूट टू गए तो कितना आएगा मेरे पास, रूट टू, चार में से तीन गए तो आया एक रूट टू। तो ये कॉमन डिफरेंस हम सबका सेम आ रहा है, अगर ये सेम आता है तो हम अगली टर्म्स निकाल सकते हैं ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन। ए फाइव मतलब ए फोर प्लस डी, या देगा ए फाइव प्लस डी, फिर या देगा ए सिक्स प्लस डी। ए फोर की अगर मैं बात करूं तो ए फोर मेरा आ रहा है फोर रूट टू, और डी की वैल्यू आ रही है रूट टू, या देगा फाइव टाइम्स ऑफ रूट टू। फिर ए फाइव की अगर हम बात करें तो आ जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ रूट टू, डी आ जाएगा रूट टू, या देगा मेरे पास सिक्स टाइम्स ऑफ रूट टू। फिर आ जाएगा मेरे पास सिक्स टाइम्स ऑफ रूट टू, डी की वैल्यू आ रही है रूट टू, ये आ जाएगा मेरे पास सेवन टाइम्स ऑफ रूट टू। आंसर क्या था? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं रूट से रिलेटेड ही। अगर रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन और रूट बारह ये आ जाए तो क्या करें।